नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। रेलवे विभाग की तरफ से एक अहम और बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर अब यात्रियों के जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। जहां एक तरफ देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे विभाग ने भी शुल्क बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ रेलवे विभाग अपने यात्रियों को कई सुविधाओं से लैस करता जा रहा है, रेलवे विभाग की तरफ से कई बड़े और नए बदलाव किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बदलाव रेलवे विभाग की तरफ से सामने आया है, जहां पर अब यात्रियों को शुल्क ज्यादा देना होगा। क्या कौन सा शुल्क है ये और आखिर ट्रेन के टिकट में क्या बदलाव किए गए हैं, रेलवे स्टेशन को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रेलवे विभाग की तरफ से और किस शुल्क की बात कर रही है रेलवे विभाग, आइए इसके पूरे अपडेट आपको देते हैं। रेलवे बोर्ड ने प्रत्यक्ष रूप से किराया तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन स्टेशनों के विकास यानी स्टेशन डेवलपमेंट फंड के नाम पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ा दिया गया है। यात्रियों को अब निर्धारित किराए के अलावा 10 से 50 रुपए और देने होंगे। ऊपर से जीएसटी कोड में खाज का काम करेगा। रेलवे बोर्ड ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। रेलवे बोर्ड के अनुसार गोरखपुर, लखनऊ और बनारस जिन स्टेशनों का विकास हो रहा है या हो चुका है, उन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को दोनों तरफ से शुल्क का 1.5 गुना ज्यादा देना होगा। बता दें कि 2 स्टेशनों में एक का विकास नहीं हुआ तो एक का शुल्क लगेगा। विकसित स्टेशनों से जारी प्लेटफॉर्म टिकट में 10 रुपए अतिरिक्त जुड़ जाएंगे। बात करें राजेंद्र नगर, बेगूसराय, बरौनी, गया, मुजफ्फरपुर, सिंगरौली, सीतामढ़ी, दरभंगा, धनबाद एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे में किराया नहीं बढ़ा तो विकास के नाम पर रेलवे ने वसूली शुरू कर दी है। 10 से 50 रुपए के अलावा जीएसटी का बोझ अब यात्रियों पर बढ़ने जा रहा है। जहां एक तरफ रेलवे विभाग ने ये बात कही थी कि वो रेल टिकट का किराया नहीं बढ़ाएगी, टिकट के दामों में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अब रेलवे विभाग ने दूसरा तरीका अपना लिया है यात्रियों से वसूली करने का। और अब जिन स्टेशनों का विकास हो चुका है या जो स्टेशन विकास के दर पर खड़े हैं, अब उन स्टेशनों से यात्रा करने के दौरान यात्रियों को शुल्क ज़्यादा देना होगा। इसमें बिहार के कई स्टेशन शामिल है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बनारस भी शामिल हो चुका है। तो अब यात्रियों को इस बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में भी वृद्धि कर दी गई है। 10 रुपए से 50 रुपए हो चुका है प्लेटफॉर्म टिकट का दाम और अब यात्रा करने के दौरान आपको शुल्क ज्यादा देना होगा। साथ ही साथ जीएसटी का बोझ भी आपके जेब पर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4Nation में। नमस्कार।